हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल मिसेज भिड़ेस क्रिएटिविटी में स्वागत है। सो आज है मंगलवार, सो आज है 17 अगस्त। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा दिन होने वाला है। सो सबसे पहले तो हम जो हमारे डेली रूटीन के काम है वो ही फिनिश करते हैं। तो मेरा आधा काम हो चुका है, मतलब खाना वाना सब कुछ बन गया है। सो मुझे बर्तन ही वॉश करना है एंड देन और कपड़े बाकी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा ना ये बैकग्राउंड, या मतलब से क्या, एक्चुअली यहाँ पे विंडो है, यहाँ से लाइट काफ़ी अच्छी आती है। सो स्टार्टिंग यहीं से होती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। किचन का काम तो ऑलरेडी पूरा फिनिश हो चुका है एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं। सो हमने क्या किया था, अभी जो 15 अगस्त था तो सैटरडे संडे में जो गार्डन है उसकी पूरी क्लीनिंग करके उसकी गुड़ाई कर दी थी। मतलब जो मिट्टी प्रॉपर पानी की वजह से क्या पूरी बैठ गई थी, तो हमने उसको छोटी सी वहाँ पर जो गेती है उसे खोद के मिट्टी को थोड़ा सा अच्छे से कर दिया है, मतलब बाहर निकाल दिया। मैं आपको दिखाती हूँ। सो मुझे आज लौकी, गिलकी एंड प्लस तुराई उसके बीज है, सो मुझे वो लगाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस बार इतनी बारिश हुई थी ना, मतलब कंटिन्यूस जब से सावन स्टार्ट हुआ तब से रेगुलर बारिश हो रही थी। सो उसकी वजह से जो मैंने जो लौकी लगाई है उसके बहुत सारे पत्ते ना सड़ से गए हैं। सो मैं सोच रही थी कि वापस से उनको लगा देती हूँ ताकि थोड़े दिन में वो और अच्छे से उग जाएगी, क्योंकि सड़ रही है तो 2-3 लौकियाँ के जो पौधे हैं ना वो मर चुके हैं ऑलमोस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको बीज दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये लौकी है, ये गिलकी है एंड ये जो कुछ बीज हैं वो तुराई के हैं, जो छोटे छोटे वाले। सो इनको लगाना है मुझे। सो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी जितने लगाएंगे उतने तो लगना है। इनकी पॉट है जो मैं लेके आई थी, ये मैं लेके तो जीजी प्लांट के लिए लाई थी, बट मैं सोच रही हूँ कि इसमें है ना मनी प्लांट है वो लगा देती हूँ। सो चलिए आज रिपोर्ट भी करना है मुझे 3 पॉट्स को एंड देन ये भी लगाना है। सो स्टार्ट करते हैं को लगाना। Thank you.
सो ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया है, अब सिर्फ नहाना ही बचा है। काफ़ी स्वेटिंग हो गई है, काफ़ी धूप है अभी। बस मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ नहाने के बाद, एंड कपड़े बचे हैं मेरे। बस वही हो जाए, देन फिर आपसे मिलती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि उनको रिपॉट करना है। ऑलरेडी मेरे पास जो गोबर की खाद आती है वो रखी थी, उसमें ही मैंने मिट्टी एंड वो दोनों मिक्स करके ही रखा हुआ था। आज फाइनली जो काम काफ़ी दिनों से सोच रही थी वो आज कंप्लीट हो ही गया है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। लग रहा है आज कुछ मौसम ज्यादा ही मेहरबान हो रखा है। मतलब 12:30 बजे तक तो वो ज्यादा धूप थी, एंड सडनली बादल बादल छाने लग गए, एंड अभी जाके बारिश हो रही है। अभी 3 बज रहा है। ये अच्छा अच्छा हुआ कि मैं जस्ट नहाने के बाद, मैंने क्या कहते थे, गेहूँ बाहर सुखाने के लिए रखे हुए थे, नहाने के बाद ही मैंने उठा लिए थे क्योंकि मौसम हो रहा था पानी जैसा। बस यही था। एंड चलिए, लाइट है फिलहाल अभी बारिश में भी। मुझे कपड़े जो पीछे रखे हुए हैं, ये थे मेरे कपड़े, इनको कुछ कुछ जो शर्ट और जीन्स है उनको मुझे प्रेस करना है, बाकी तो नॉर्मल मैं घड़ी करके रखने वाली हूँ। वो काम कर लेते हैं। ये 3 भी बज गया है, एंड मुझे हुआ तो फिर टाइम रहा तो गेहूँ को भी साफ करके रखना है, क्योंकि अभी राखी भी आ रही है संडे को, तो हुआ तो हम घर जाएंगे। उससे पहले पहले मुझे सारा काम कर देना है, ताकि जब आए हम वापस रिटर्न तो सिर्फ उसको पिसवाने का ही रहेगा, कि अभी तो आटा है ऑलरेडी। बट फिर भी सेफ्टी के लिए पूरा क्लीन करके जाऊंगी, कि जब आएंगे तो बस इसको पिसवा के एंड यूज़ कर लेंगे। बस यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड काफ़ी अच्छा, मतलब हवा इतनी तेज चल रही थी, मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगी, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब आ रहा है, तो इतनी तेज हवाओं की आवाज़ आ रही थी। और जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो काफ़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि एकदम आगे और पीछे दोनों साइड विंडो है एंड गेट है, इतनी हवा इतनी चलती है, और मैं दिन में अकेली रहती हूँ, तो इतना स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर सा लग रहा था, बट अब आदत हो गई है। सुना ना आपने हवा का साउंड कितना मतलब डरावना सा था। ये चीज़ें तो होती रहती है यहाँ पे दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आसपास क्या ओपन है एरिया है, हवा काफ़ी तेज चलती है, तो ऐसी आवाज़ें आती रहती है। चलिए अब 3:30 भी हो रखा है, एंड आलसी ना करते हुए जो हमारा रिमेनिंग काम है वो ख़त्म कर लिया जाए। वही ख़त्म करती हूँ मैं। हेलो एवरीवन। अभी हो रही 6:30, एंड मैं डिनर की प्रिपरेशन कर ही रही थी, बट कबाड़ी वाला है। एक्चुअली क्या था, हमने भी ऑनलाइन बुक किया था, लास्ट टाइम भी किया था, तो ये सेकेंड टाइम है जब हमने उसको बुलाया है। क्या ज़माना आ गया है डिजिटल के ज़माने में, मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। कबाड़ी वाले को हमने ऑनलाइन बुक किया था, वो अभी आया है। मुझे अभी जितना भी कबाड़ा है मुझे बेचना है, वो निकाल लेती हूँ मैं, देन फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। चलिए आज मैं बना रही हूँ मूंग एंड पालक। तो मैंने भिगो के रख दी है मूंग की दाल को। चलिए कबाड़ा फटाफट इकट्ठा करते हैं। कबाड़ी वाला आया था, सामान लेके चले गया है, एंड बस वो सही है ना, मतलब आपको जाके सामान बेचने से बेटर है वो घर पे आके उसी रेट में ले रहा है चीज़ें। पेपर की रद्दी थी एंड कुछ प्लास्टिक आइटम था, वो सारी चीज़ें बेची है। कार्डबोर्ड बहुत सारे इकट्ठे रखे हुए थे, वो भी बेच दिए फाइनली। आधा अटाला तो कम हो गया है, एंड बस यही है। अब मैं करती हूँ डिनर की प्रिपरेशन, क्योंकि 7 बज गई है, फटाफट खाना बनाना है। एंड आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बने रहिए मेरे फर्दर वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।